मौसम विभाग ने गोरखपुर सहित 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिले, जिसमें गोरखपुर भी सम्मिलित है, में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी एक दो दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि खिचड़ी तक ठंड का माहौल बना रहेगा, जिससे ठंड से अपने आप को बचाने की जरूरत है। घरों से बाहर ना निकले और जब भी निकले तो मास्क का प्रयोग करें तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने बताया कि फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी चला रहे हैं वह अपने हेडलाइट ऑन करके ही चलाएं, क्योंकि घने कोहरे में रोड एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए लाइट जलाकर ही वाहन चलाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो आपदा कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराई गई है राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से, उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिले जिसमें जनपद गोरखपुर भी सम्मिलित है में घने कोहरे का एक अलर्ट जारी किया गया है। और इस आगामी एक दो दिनों तक जो कोहरे की स्थिति है वो बनी रहेगी और इस दौरान थोड़ी शीतलहर में जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा डाउन होगा, तो शीतलहर अभी एक दो दिनों तक और थोड़ा तेज होने की संभावना व्यक्त की गई है। सर ठंड कब तक है? देखिए अब तो ये शीतलहर का सीज़न है और ऑलमोस्ट ये पूरा जो यहाँ पे लोकल उसमें कहा जाता है खिचड़ी तक ये इस तरह का माहौल, इस तरह की ठंडक बनी रहती है, तभी तो ये ठंड शीतलहर का सिनेरियो बना रहेगा। बस इस दौरान ये है कि हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है ताकि हम शीतलहर से अपने आप को बचा सकें। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी निकलें तो इस समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि पॉल्यूशन का भी समय थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है और साथ ही इस समय कोविड प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए मास्क के प्रयोग के लिए सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है, तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करें और साथ ही जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन लोग चला रहे हैं उसके हेडलाइट को ऑन रख करके चलाएँ, क्योंकि डेंस फॉग के समय में घने कोहरे के समय में रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए इस तरह की भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और हेलमेट का प्रयोग करें, अब अपने आप को सुरक्षित रखें।